तो दोस्तों चलिए बनाते हैं इस वीडियो में एक सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन को बनाने के चलिए चलते हैं वीडियो पर। आर्म क्रिएटिविटी। दोस्तों हमें सोल्डरिंग आयरन को बनाने के लिए एक एलिमेंट है जो कि मेरे पास 25 वाट का सोल्डरिंग एलिमेंट है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, और मैं यूज़ करूँगा इसकी बॉडी बनाने के लिए। देख सकते हैं एक पीवीसी पाइप है मेरे पास, मैं इसका भी यूज़ करने वाला हूँ। ये कुछ इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, और मैं इसे अपने हिसाब का कट कर लूँगा। तो दोस्तों चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, हमने प्लास्टिक का एक ये पीस कट कर लिया, देखिए छोटा सा हमने अपने हिसाब का। तो आप भी अपने हिसाब का कट कर सकते हैं, और ये देखिए ये कुछ इसमें अच्छे तरीके से ऐसे फिट हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल। चलिए, और मैं इसको आपके जैसे कि दो यहाँ पे ढकने के लिए कुछ पीस कट कर सकते हैं। मेरे पास एक पीवीसी पाइप है, देखिए पीवीसी पाइप का जो मैंने शीट बना लिया है, मैं इसमें दो पीस कट कर लूँगा। देखिए कुछ ऐसे करके यहाँ पे मार्कर की मदद से इसमें निशान लगा के दो पीस कट कर लूँगा, एक यहाँ से एक यहाँ से कुछ। तो चलिए उस पीस को कट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने दो पीस कट कर लिए, देखिए, और मैंने यहाँ पे आपको जैसे कि बताया था छेद कर लेंगे एक, तो मैंने छेद कर लिया एक, देखिए। और ये जो देख सकते हैं हमारे पास सोल्डरिंग एलिमेंट है, कुछ इसमें अच्छे तरीके से ऐसे फिट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ फिट करके इसे, ये देखिए थोड़ा टाइट है ये, लेकिन कोई बात नहीं, चले जाएगा इसमें फिट। ये देखिए कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा, और फिर मैं ऐसे ये जो बॉडी बनाई थी हमने इसके ऊपर की, ये कुछ इस तरीके से ऐसे फिट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, और ये कुछ ऐसे पैक हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम आगे और वीडियो में चलते हैं अपनी। तो दोस्तों मैं जो अपना सोल्डरिंग आयरन बनाने जा रहा हूँ, तो मैं उसको ये जो वायर देख सकते हैं आप, जैसा कि ये 1 या 1.5 मीटर का वायर है, मैं इसको इस वायर के द्वारा सप्लाई दूंगा। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं, कनेक्शन पूरे कंप्लीट कर लेते हैं अपने। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि आप, मैंने इसके वायर के कनेक्शन कर रखे हैं, देखिए, जैसा कि मैंने इसके ब्लैक कलर के वायर को यहाँ जोड़ दिया और रेड को यहाँ जोड़ दिया। आप कोई सा भी वायर कहीं भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसे इस बॉडी में चिपका लेते हैं, देखिए कुछ ऐसा करके, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, ये देखिए कुछ ऐसा करके ग्लूगन की मदद से और फेविक्यू की मदद से चिपका लेते हैं कुछ ऐसे, देखिए चलिए इसे चिपका लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा सोल्डरिंग आयरन बन के पूरी तरह तैयार है। चल, और हमने इसकी घिसाइड कर ली है, और देखिए इसके आगे की हमने बीट भी लगा ली है। तो चलिए हम इस पर अब थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल कम्प्लीटली बन गया है, देख सकते हैं, देखिए इसकी लुकिंग। तो मैं आपको अब इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम इसे आपको दिखा देते हैं इसकी पावर, देखिए ये देखिए देखिए ये देखिए, ये देखिए मैं आपको इससे कुछ वायर है मेरे पास, उनके कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको आपस में इनके कनेक्शन करके दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, आपका धन्यवाद।